हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आमर आलोच्य कविता सापमोचन। कवि होती अतिबड़ी जगन्नाथ दास। यही कवितार प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग आलोचना करथिले जो मैंने देखी नहांती से दुईट भिडियो देखी दिंतु। आज आम से कवितार तृतीय भाग आलोचना करवा एवं आज भिडियो कविताटी शेष करवा। पूर्वर आम कौन आलोचना करें सापमोचन कविताटी कवि अतिबड़ी जगन्नाथ दासंकर भागवतर दशम स्कंधरु आसीथिला। नृगराजा मुख्य प्रसंग किपर भाव से सापग्रस्त होइकि अभिशापग्रस्त होइकि पर समय कृष्णंकर करस्पर्शरे मोक्ष प्राप्ति, यह होची आमर आलोच्य कवितार विषय वस्तु। पूर्वर आम कौन आलोचना करथिले ना कृष्णंकर पुत्र माने बणरे जितेबेले क्रीड़ा करूथिले तृषार्त अवस्था बण मध्य से जलर अनुसंधान करके गोटे कूप पाइथिले एवं से कूप निकट को जाई से कूप मध्य एक क्लुकोलास बा एंडुओ को देखिथिले एवं से एंडुओ को उद्धार करने को सतचेष्टा रे से माने विफल होइकि परे कोन करथिले कृष्णंक निकट को जाई कृष्ण को अनुरोध करथिले से क्रुकलास को उद्धार करिबा पई से जो अद्भुत एक जीव को उद्धार करिबा पई। परवर्ती समय रे जेते बेले कृष्ण आसिकी कूप मध्य रे उपस्थित होइथिले एवं से अद्भुत जीव को देखिकी तापरे तार लांज को कृष्ण तांकर बाम हस्त रे जेते बेले ऊपर को उठाइथिले सेते बेले कोन हेतिला से अद्भुत जीव तार प्राण छाड़िकी ता मध्य रे एक सुंदर पुरुष बाहरी एवं कृष्ण पचारिथिले तू एते देव मानव होइकि किपर भाव रे एक रुकलास होइथिलु केउ अभिशाप परु होइथिलु से कथा आमे प्रसंग आलोचना करथिले। से नृगराजा किपर भाव रे रुकलास होइथिबार जो रहस्य तार वर्णना रे कहिछंती कृक नृगराजा हेउछंती इच्छाकु वंशर राजा। इच्छाकु वंश सूर्य वंशर प्रसिद्ध राजा श्री रामचंद्र जो वंशर जन्मलाभ करथिले सेई वंशर राजा हेउछंती इच्छाकु। सेई वंश राजा हेउछंती नृगराज एवं से किपरि भावरे समस्तंकु महा दानी थिले किपर भाव एत दान करवा पर अभिशाप जो ग्रस्त हेले तार वर्णना आम करुले ब्राह्मण मानू गोदान करुले जो प्रसंग उत्तम ब्रह्मचर्य दीक्षा वेदाध्ययने मंत्र शिक्षा एमंत विप्रे सवधान सुपुण्य काले देली दान एति पर्यंत आम आलोचना करें। उत्तम ब्राह्मण मानू जो माने ब्रह्मचर्या ग्रहण करिछंती जो माने वेदाध्ययन वेद अध्ययन जो माने मंत्र शिक्षा करिछंती से विप्र पंडित मानू कौन करथिली सुपुण्य काल रे दान करिबार गोटे सुमुहूर्त निरूपण करा जाय थाए से सुपुण्य काल रे बा सुनिरूपित समय जो धार्य करा जाय थाए से समय रे कौन करथिली मु से मानू दान देथिली अधिक दान देली जेते सुण कहिबा तो अग्रते जेतेबेले मुँ अधिकरु अधिक दान करथिली से सब कथा मु कोन करबि तुम आगरे आपणक आगरे श्रीकृष्णक आगरे अग्रते होचे आगरे से सब बखाणिबि से सब वर्णना करबि। गो चर्म मापे भूमि दान सुध सुवर्ण आयतन कोन कुआ जाय छेठारे गो चर्म मापे भूमि दान गो होची गो माता ता चर्म माप परे कोन करबी भूमिदान करिछि एवं सेही चर्म माप पर कोन करछि सुध सुवर्ण आयतन सेतिकी सुवर्ण रो आयतन सेतिकी आ आयतन रो सुध सुवर्ण से सुना कोन करछि दान करिछि। गज तुरग कन्या दासी तिल पर्वत धान्य राशि गज गज होची हस्ती तुरग तुरग होची घोड़ा गज तुरग कन्या दासी कौन कौन दान करछि मु हाथी दान करछि घोड़ा दान करछि
आउ कौन दान कर कन्या दासी को मध्य दान कर तिल पर्वत धान्य राशि सबकि धन्य धान्य कौन कर सबकि दान कर भोग्य संपूर्ण सुख सज्जा वस्त्र भूषण बलि भोजा सबु सुख संपन्न कौन कर सबु वस्त्र भूषण सबू कौन कर दान कर बलि भोजा वस्त्र भूषण बलि भोजा जो जत ब्राह्मण मानू विप्र मानू पंडित मानू गोदान सहित शुद्ध सुवर्ण दान कर हाथी घोड़ा कन्या दासी धन धान्य सुख सौज वस्त्र भूषण सबकि कौन कर दान कर बलि भोजा मुक्त हस्तरे मु कौन कर दान कर यज्ञे सुवर्ण रथ जेते संख्यारे कहिबे मु केते यज्ञ रे जेते जेते सुवर्ण रथर आयोजन होता से सब रथर संख्या मुते कह सब कौन अगणित मुते संख्यार कहीपरि जेते जेते रथ यज्ञ लगी देव मंदिर जल अन्न सुमिष्ठ पवित्र भोजन एमते नाना दान करी किंचिते पाप मु आचरी देव मंदिर जल अन्न कौन करते भगवान को पाखर देव मंदिर जल अन्नर व्यवस्था करते जो विप्र माने आसते जो पंडित माने आसते से मानी सुमिष्ठ पवित्र भोजन मध्य आयोजन करा पूजा सरलापर दान दे सारापर कौन करते सुमिष्ठ पवित्र भोजन व्यवस्था करपरी मुन्न दान कलापर किंचिते किंचिते हूँ अल्प परिमाणर पाप मु कौन कली आचरली पाप मु ग्रहण कली कौन से पाप मु श्रीकृष्ण को कहते मृगराज मुते सब दान कलापर मु कौन कही मुझे अल्प पाप संग्रह करप ना ब्राह्मण दान नेला गाई फिटी पशिला गोष्ठे जाई अज्ञाने न जाणी प्रभाते दान मु देली विप्र हस्ते गोटे ब्राह्मण को कौन करी गाईटी दान करी एवं जितेबले से ब्राह्मण अज्ञान अवस्था से गाईटी जाकि फिटिकी कौन होती गोष्ठ मध्य गाई गोष्ठ में अनेक गुड़े गाई था से गाईटी फिटी जाकि गाई गोष्ठ में मिसी जा जितेबले मिसी जा ब्राह्मण न पाई से फेरी जा मन दुख करी फेरी जा अज्ञान बशत अज्ञाने न जाणी प्रभाते प्रभाते हूँ सका मु अज्ञान बशत कौन कर गाईटी जो दान करी मु भूली जा अज्ञान बशत अन्य एक विप्र को अन्य एक पंडित को कौन कर दान कर ब्राह्मण धेनु घेनी जानते विप्र देखिला राजपथे तानिज धेनु चिन्ही बले तक्षणे धोइला लांगुले कौन कह जा ब्राह्मण जेतबले से जो द्वितीय ब्राह्मणटी प्रथम ब्राह्मण को से दान दे धेनु से फिटी जा गोष्ठ मध्य मिसी जाइला एवं द्वितीय विप्र को द्वितीय पंडित को से धेनु को से पुणी थरे दान स्वरूप देते द्वितीय धेनुटी जेतबले द्वितीय ब्राह्मण जेतबले धेनु को धरी गाई को धरी जेतबले जाऊथिला विप्र से जो प्रथम पंडित से कौन कले राजपथरे देखिले जेतबले धेनु को देखी चिन्ही तक्षणे कौन कर तार लांगुल को धरिकी कौन कहते बोइला मोर धेनु यही हजिला लोड़ अच्छी मुही शुणी ब्राह्मण कोप मने बोलई परुष वचने कौन कही जितेबले से चिन्ही ये हूँ मोर धेनु हजि जाइला मुन चिन्हिकी कौन कर धरी आप मनरे कोप हूँ क्रोधरे रागरे कौन कही परुष वचन परुष हूँ निंदात्मक कथा कही क्या कहते ना द्वितीय पंडित को कहते प्रथम पंडित प्रत्यक्षे घेनी अच्छी दान देख तु फेड़ीण नयन जल तुलसी कुश हस्ते तिल ही देख तु प्रत्यक्षे एधेनु केमंत तोहर शुणी बोलई विप्रवर कौन कह जाए प्रथमर पंडित द्वितीय पंडित जो धेनु नहीं जाऊला
देखिकी ताकू अटकेइछंती ये तो मोर धेनु तू काई नै जाउछु कोप करिकी निंदात्मक कथा कहिछंती एवं ताकू कहिछंती तू तो प्रत्यक्ष भागरे भाबरे सेठी उपस्थित थिलु मु जल तुलसी कुश धरिकी कोन करथिली मु से दान को ग्रहण करथिली से धेनु को मु ग्रहण करथिली आउ तू किपरि भाबरे ताकू नै जाउछु ए धेनु केमंत तोहर शुणी बोलई विप्रवर से विप्रवर से पंडित कौन कहते तो प्रत्यक्ष भाव सेठारू ताल तु ए धेनु को किपर भाव नहीं जाऊ धेनु शरीर मोर लेख तोहर चक्षु थिले देख पंडित जो पंडित कौन कहते जो बड़े क्रोध होती मनीष जो बड़े रागे रागिले कौन हुए रागिले ता मुहरु निंदात्मक कथा बाहरे क्रोधवशत निंदात्मक कथा बाहरे से समय रे से प्रथम पंडित कौन कहिछंती निंदावशत रागिकी धेनु शरीर मोर लेख तोहर चक्षु थिले देख तोर जदि चक्षु अच्छी तोर जदि आखि अच्छी ताहले देखे से धेनुर शरीर रे गाईर शरीर रे कौन लेखाई मोहर नाम लेखाई एमंत कही श्रृंग धरी घेनी चलिला निज पुरी ब्राह्मण धरे लांजे धेनु एमंते उपुजिला मन्यु कलि भियाई पथ मध्ये प्रहार कले हस्त पादे जेतबले प्रथम पंडित जेतबले कथा कहिछंती तार श्रृंग धरिकी कोन कहिछंती निज पुरकु ताकु नेइछंती एवं से रास्तार गला बेले निज पुरकु से बाहर छन जीवापाई द्वितीय ब्राह्मण कौन करछि तार लांज को धरी कहार ना धेनुर लांज को धरी ए मध्य दुई जन मध्य कहि मन्यु हो द्वंद उपजी से द्वंद भितर दुई जन कली है एवं प्रहार कले हस्तपाद से कलीटा कौन है कौन हस्तपाद दुई जन मध्य धस्ताधस्ती होती जहाँ को कहते माड़पिटा होती माड़पिटा होती एमंत उच्च बाच हो मिले मोर पूरे जाई ब्राह्मण मोर मुख चाह बोलई कोप भर हो जितेबले कथारु तांकर से क्रोधर जो निंदात्मक कथारु से मानकर कौन तापरे माड़पिटा आग को जाई से उच्चवाच हो कौन कहते कौटी मिलती जाकि राजा पाखरे मृगराज पाखरे जाकि से ब्राह्मण जाकि पाखरे कौन कहते ब्राह्मण कोपभर होइकी रागिकी क्रोधर सह कौन कहते ना तू मोर हस्ते धेनु दे एबे हरिलु किस पाए द्वितीय ब्राह्मण रागिकी कौन कहते तू तो मो हस्तरे नहींकि धेनु देचु ताले एबे कौन पाए कि ये धेनु को हरण करुछु उत्सर्ग दान जेहु हरे अंते नरक भोग करे उत्सर्ग दान जे जहाँ को दान कर जाए थाए से दान को जदि पुणी थरे हरे माने हरण करे पुणी थरे फेरई निए ताहले से कौन करे अंते अंतकाल रे शेष समय रे से कौन भोग करे नरक भोग करे जे विप्र प्रति ग्रह त्यागे से ही पड़ई दुख भागे एमंत विप्र वाक्य शुणी वज्र पड़िला सिरे मणि विप्र कौन कहिछि जे प्रतिग्रह प्रतिग्रह जे विप्र प्रतिग्रह प्रतिग्रह होची ग्रहण करिथिबा दान जे विप्र जे पंडित दान को ग्रहण करिथाय ता त्यागरे से कौन हुए दुख भोग करे पंडित माने जे जोटा दान रे ग्रहण करके आनीथिबो कौन करथिबो ताहा को जदि पुणी थरे के नै जिवो ताहाले से कौन करबो दुख भोग करबो जेतबले से विप्र वाक्य ए कथा जेतबले विप्र कहिछंती जे जहा को जोडे दान करिछु ताकु जदि फेरे नौ ताहले कम भोग करिवु नरक भोग करिवु सेई कथा तले सुनिछंती राजांकर मुंडरे कोन पडिछि वज्र पडिछि वज्र पडिला सिरे मणि मने पाइली महाभय कातरे कंपे मोर काय ए नरक नर्क भोगीबार जो कथा शुणिकी मो मनरे महाभय पाई एवं कातरे भयरे कंपे मोर काय कंपन करुछि काय होजे शरीर ए नर्क भोग करिवार जो अभिशाप से कथारे कौन है मो मनरे मो भय हो जाइछि शरीर कौन होछि कंपमान करुछि ए वज्र पड़ी ए कथा शुणिकी उभय संकटे मु पड़ी कर जुगल सिरे जोड़ी
उभय संकट कौन पाई कह प्रथम ब्राह्मण को जो धेनु देते द्वितीय ब्राह्मण को से धेनु से दुई जन जो बिवाद जो संकट क्या पड़ी राजा पड़ी से कर जुगण सिरे जोड़ी कर हास्त धरिकी कौन कहते सिरे जोड़ी बेनी विप्रंक पाद गते प्रबोध कली नाना मते हाथ जोड़ी दुई बेनी हूँ दुई जनकर दुई जन विप्रंकर दुई जन पंडितंकर पादर कौन कलि प्रबोध कली कौन प्रबोध कली नाना मते प्रबोध कली जे किपरि भावरे ए जो पापर मुक्ति हेबी संकल्प लक्षे धेनु करी बोइली विप्र पाद धरी भो विप्र लक्षे धेनु नेई ए धेनु गोटी दियो तुही कौन कह जाय छी कौन प्रबोध कली कौन कहली ना संकल्प कली जे लक्षे धेनु को नियो आउ ए जो धेनु को तुम्हें कौन कर फेरे दियो कहा पाद धरी कहली द्वितीय ब्राह्मण रो पाद धरिकी कहली जो धेनु टिके नेइछंती आपण लक्षे धेनु पछे नेइ जानतु एवं सेही धेनु को फेरे दियंतु भो विप्र लक्षे धेनु नेइ ए धेनु गोटी दियो तुही तुमते अनुग्रह कर उभय संकट उद्धर तु एकमात्र मु तते अनुग्रह करुछि मु तते विनती करुछि तु जदि से धेनु गोटी को फेरे देबु आमे कहबो उभय संकट रु मु उद्धार पाइबी मु से धेनु को नेकी प्रथम पंडित को दे देबी एवं जो साप होइतिला मिलिथिला जो नरक भोग करिवार सेई साप रु कहबे उद्धार हेबी से संकट रु उद्धार हेबी न जानी कली एड़े कर्म भो विप्र रख मोर धर्म मु न जानिकी मोर अज्ञात वशत मु ये जो कर्म करी ए जो पाप करी भो विप्र हे पंडित तुम्हें मोर धर्म को रक्षा कर नकर मने आन बुद्धि दक्षिणा देवी हेम निधि मनरे आउ किछि आन बुद्धि खल चिंता कर ना मु कौन करी दक्षिणा देवी हेम होची सुना सुना रूपा माणिक्य रे कौन करी मु दक्षिणा देवी तुम्हें मोपाई कि आउ किछि आन बुद्धि खल चिंता कर ना साप चिंता कर ना नरक पथु रख मोते ए धेनु दियो तोस चित्ते कौन कह दे नर्क पथरु ए जो नर्क पथरु तुम्हें केवल मोते ही रक्षा करदी ए तोष चित्तर संतोष भाव मनरे संतोष रखिकी किसी निंदा किसी साप न रखिकी संतोष चित्तर मोते ए धेनुटी को फेरदेव ताहले मु नर्क पथरु कौन करी मुक्ति पाइबी नर्क पथरु ही केवल तुम्हें मोते रक्षा करपार शुणी बोलई प्रतिग्राही लक्ष्य के मोर कार्य नहीं एमंत बोली विप्र गला आन जे प्रतिग्राही थिला प्रतिग्राही कौन कही प्रतिग्राही होचे ग्रहण करिथिबा दान प्रतिग्रह ग्रहण करिथिबा दान जे दान ग्रहण करे से होचे प्रतिग्राही प्रतिग्राही कौन कही मोर लक्ष्य रे मोर कार्य नहीं मोर लक्ष्य धेनु दरकार नहीं एमंत बोली विप्र गला आन जे प्रतिग्राही थिला मोर लक्ष्य धेनु दरकार नहीं मोर कौन दरकार थिला गोटे मात्र जो दान करिथिलु जो धेनु से गोटे मात्र दरकार थिला मोर लक्ष्य धेनु रे मोर किछि कार्य नहीं अयुते देली ताकू धेनु ता देखि विप्र कला मन्यु जितबले द्वितीय पंडित को मो अयुते धेनु दान देली विप्र कौन कला प्रथम विप्रटी द्वंद्व कला मनी हूँ द्वंद्व बोली लक्षे निय तुहि शुणी कोपिला मोते चाही बोइला परुष वचने निंदा तु कलु महाजने कौन कहे जो बड़े द्वितीय पंडित को अयुते धेनु दान देछंती एवं प्रथम पंडित कोप करिकी ताकु चाहिछंती कोपिला मोते चाही कोप करिकी रागी कि चाहिछंती कौन कहले राजा कहले तु भी कौन करु लक्षे निय लक्षे धेनु निय जितेबले एक कथा प्रथम पंडित रागी की थिले परुष वचन परुष होची निंदात्मक निंदात्मक वचन कहिचंती निंदा रागी के कौन कहिचंती
निंदा तु कलु महाजने, तु महाजन महापंडित कौन करिछु निंदा करिछु, देइथिबा दान को तु तांकटु फेरै नेइछु, ये होउछि कौन सबुठारु बड़ निंदा महाजन को पाइ। कोपे चलिला निज घरे नित्य आसई मोर पुरे, प्रति दिवसे बोध करी बोलोई विप्र पाद धरी। कौन कहते कोपे चलिला निज घरे से रागरे से क्रोधर सहित से निज घर को फेरी जाती, नित्य सबुदिन आसई मोर पुरे, सबुदिन मो राजप्रसाद को आसती, प्रति दिवसे मुझे बोध करके कहे, प्रति दिवसे मुझे सांत्वना दे कि कहे, कौन कहे, बोलई विप्र पाद धरी, पंडित पाद धरिकी सांत्वना दे कि कौन कहे ना, कोपे न शुणे मो वचन एमंत गला केत दिन। हे कृष्ण, आपण तो जानती मुझे एत दान कलापर ती जोबले मु सब बड़े अनुरोध करूली जे किपर भाव लक्षे धेनु पचे नहीं जाओ, ये जो नर्क रु मत मुक्ति कर, तांकर जेते पाद धरली से कौन कले, कोपे न शुणे मो वचन, से कोप करके मो वचन के मो कथा केबे शुणिले ना, एमते केत दिन बीतीगला। यहपर भाव से पंडित सबुदिन आसुता, राजा जिते अनुरोध कले से कौन करती, से कोप करके चली जाती। भो नाथ शुण जनार्दन, काले मु छाड़िली जीवन, हे नाथ हे जनार्दन हे श्रीकृष्ण हे ब्रह्मराशि शुण, एमती केते दिन गलापर मु कौन कली मो जीवन छाड़िली। मरण काले जमदूते, मिलिले मोहर अग्रते, बंधन करी मोर देही जम निकटे देले नेई। मोर समय जितेबले पूरी जाइतिला, मु जितेबले जीवन छाड़िली सेतेबले जमदूत माने आसिकी कोन कले मो पाखरे मिलिले अग्रते, मिलिले मोहर अग्रते, मोहर होची मोर राजांकर अग्रते आगरे, बंधन करी मोर देही बंधन करिकी कोन कले जमदूत माने जमंक निकट को नेई गले। तक्षणे रविर नंदन, अनेक कला सनमान, पुण्य पातक विचारिला आनंदे मोते आज्ञा देला। तक्षणे रविर नंदन, तक्षणे तत्क्षण रे संगे संगे, रविर नंदन, रवि होचंति सूर्य, सूर्यंकर नंदन हले पुह, सूर्यंकर पुह होचंति के ना जम, से संगे संगे कौन कले अनेक कले सनमान, सम्मान होची कवितार लेखाई पद्य रूप गद्य रे कले सम्मान, तक्षणे कले जम जम कौन कले राजांकर सम्मान कले, पुण्य पातक विचारिले, पातक होची पाप, राजांकर केते पाप अछि केते पुण्य अछि ताहा कौन कले विचार कले, एवं आनंदे मते कौन देले आज्ञा देले, कौन आज्ञा देले ना शुण राजन पुण्यवंत, के करू तोर पुण्य अंत, किंचित पाप अच्छी तोर जे इच्छा आगे भोग कर। रवीन नंदन आज्ञा दे, क्या आज्ञा दे, राजा नृगराज को आज्ञा दे, हे राजन शुण तुम पुण्यवंत, तुम्हें हूँ पुण्यवंत, तुम पुण्यर अंत ना, हेले तुम से अंतहीन पुण्य किंचित अल्प परिमाण रे पाप रही, तुम कौन चाहूच जे इच्छा आगे भोग कर, तुम इच्छा रे तुम आग पुण्य भोग कर कि आग पाप भोग कर ताहा कह। शुभ अशुभ फल दुई निश्चय भोग से करई, ब्रह्मा शंकरे देह धरी अन्यथा न पारंती करी, एमंत जम वाक्य शुणी आपणा चिते परिमाणी। कौन कह जाए थारे? समस्ते शुभ और अशुभ फल, पुण्य और पाप फल जो रही दुईटी अशुभ और अशुभ फल, ये सब पाप पुण्य को समय समस्ते कौन करेंगे निश्चय भोग करेंगे। ब्रह्मा शंकर मध्य जेतेबले पृथ्वी पृष्ठ रे देह धारण करती, से माने मध्य पाप पुण्य फल को भोग करती। ए कथा जमंकर वाक्य शुणिकी आपणा चित्ते परिमाणी, मु निजकु निजे चित्तरे निज मन मध्यरे परिमाणी कौन कली प्रमाण कले। अनेक अच्छी पुण्य राशि,
किंचिते पातक प्रकाशी। आग भुंजीबी पाप भार ए दुख घोर भयंकर, पछे भुंजीबी पुण्य मुहि जम बोइले दूते राई। कौन कह जाए अनेक अच्छी पुण्य राशि, मोर तो अनेक अच्छी सीमाहीन पुण्य राशि, किंचित मात्र अल्पक मात्र पाप रही। प्रथमे कौन भोग करी, प्रथमे भुंजीबी हूँ भोग करी, प्रथमे मु मोर पाप भोग करी। ए दुख हूँ पापर जो दुख, पाप भोग कर जो दुख से हूँ बड़ भयंकर। ए दुख को मु कौन करी, आग भोग करी तापर पुण्यतक भुंजीबी। एक कथा जो नुगराज कही जमर दूत जाकि जम को कही राई हेले डाक, जम बोइले दूते राई। जम क्या डाकिले दूत मान को डाकिले, ब्रह्मसो पाप महाघोर एहाकु कृकलाश कर। जम तांको दूत मान को डाकि ये ब्रह्मसो पाप रही, क्यों पाप ना ब्रह्मसो ब्राह्मण मानकर क्रोधर जो पाप सी हूँ सबुठू महापाप महाघोर पाप, से राजा को कौन कर कृकलाश कर एंडुअ कर। बन गहन अंधकूपे अनेक काल थाऊ पापे, एमंत बोलू बोलू जम लभिली कृकलाश जन्म। जोबले कृकलाश कर कही बन गहन मध्य एक अंधार कूपर ये अनेक काल अनेक वर्ष कौन करूँ अंधार कूप मध्य पाप भोग करूँ। जोबले एक कथा जम कही संगे सांग कौन हो मु कृकलाश जन्म हो, आत्म संजोग काले मुहि डाकिली कर मोते त्राही। आत्मसंजोग काल रे मु कौन करी ना त्राही त्राही मत उद्धार कर रक्षा कर बोले डाकी, से समय रे ता सुनी जम दया कला प्रसन्ने मोते आज्ञा देला। जेतबले मु त्राही पाई मत रक्षा कर बोले डाकी, से प्रसन्न चित्त रे मो ऊपर प्रसन्न होइकी मते आज्ञा देइछंती। केउ आज्ञा देइछंती ना ए पाप अंते महिपाल भेटिबु मदन गोपाल। ये पापर अंतरे ये पाप जेतबले सरी आसिब, हे महिपाल हे महीर पालन करता हे राजा तू भेटिबु, कहा को भेटिबु मदन गोपाल को भेटिबु, से श्रीकृष्ण को भेटिबु, से दामोदर को भेटिबु। से कृष्ण कर लागी तुहि तक्षणे दिव्य तनु बही, स्वर्गे बसिबु पुण्य बळे निज सुकृत तप फळे। भुवनाथ तोर आज्ञा बळे कहिली पद्म पाद तले। हे राजा तू कौन करिबो, तोर जेतबले पापर अंत होई आसिबो सेतबले तू मदन गोपाल को भेटिबु, एवं से मदन गोपाल से ही दामोदर से दया सागर करस्पर्श रे तोर कौन हेबो, तोर त्राही हेबो, से अभिशाप रु मोक्ष प्राप्ति हेबो। तक्षणे सेही क्षणी कौन हेबो तोर दिव्य तनु आसिबो, एवं स्वर्ग बसिबु तोर जो पुण्य रही तू आग पाप भोग करके जो पुण्य रही से पुण्य बल रे तू स्वर्ग रे विराजमान कर। भुवनाथ तोर आज्ञा बले कहिली पद्म पाद तले, भुवनाथ हे नाथ तोर आज्ञा बल रे तू मत जो आज्ञा देलु मोर जो साप मोचन साप अभिशापग्रस्त किपरि हेली जो आज्ञा देलु ताहाको मु तोर पद्म पाद तले सबकिछि बखाणिली। एमंत कही नृगराजा कृष्ण चरणे कला पूजा, किरीट अछि शिर मध्ये नमिला कृष्ण पद्म पादे, तक्षणे बसी दिव्य रथे विजय कला शून्य पथे। कौन कह दे सब अभिशापग्रस्त हेबार जो रहस्य थिला ताहाकु नृगराजा बखाणी, कहा पाखरे बखाणी श्रीकृष्ण पाखरे बखाणी, एवं बखाणी सरलापर कौन कही चरण से पद्मपाद को पूजा करीट अच्छी शिर मध्य, किरीट हूँ मुकुट मुकुट कहार मुकुट अच्छी शिर मस्तक नृगराजर मस्तक मुकुट अच्छी नमिला कृष्ण पद्म पादे। हे राजा से राजा कौन करी कृष्णर पादरे कृष्ण का पाद पद्मरे नमिला नमस्कार करी, तक्षणे बसी दिव्य रथे
ସେହି ସମୟରେ ଦିବ୍ୟ ରଥ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଦିବ୍ୟ ରଥରେ ତକ୍ଷଣେ ସେହି କ୍ଷଣରେ ଦିବ୍ୟ ରଥରେ ବସିକି ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି? ଶୂନ୍ୟପଥରେ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶୂନ୍ୟପଥ କେଉଁ ଦିଗ? ସେ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର। ଶୂନ୍ୟପଥ ଆକାଶ ପଥରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଗତି କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି। ଏ ଥିଲା ଆମର ସାପମୋଚନ କବିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏ ସାପମୋଚନ ଯେଉଁ କବିତା ରହିଛି, ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ନୃଗରାଜା କିପରି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ବଶତଃ ଯେଉଁ ପାପ ପାଇଁ ସେ କିଭଳି ବର୍ଷ ବର୍ଷ କାଳ ଅନ୍ଧାର କୂପ ମଧ୍ୟରେ କୃକଳାସ ହୋଇକି ରହିଥିଲେ, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବି। ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଜଣାତରେ ହେଉ ବା ଅଜଣାତରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ପାପ କରିଥାଉ, ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥାଉ, ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ କଥାକୁ କବି ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ସାପମୋଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।